अस्सलाम वालेकुम, कैसे हो गाइस? उम्मीद करती हूँ कि बिल्कुल ठीक होंगे। प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल का आइटम ज़रूर दबाएं कि मेरी आने वाली नेक्स्ट वीडियो आप तक जल्द से जल्द पहुंच सके। ये मैंने ऑर्डर करवाया था टेंट, जो कॉटन बेड में बहुत ज़्यादा चला हुआ है टेंट, ये मैंने दराज से ऑर्डर कराया था। दराज से मुझे ईजिली ये मिल गया था और ये मुझे बहुत ज़्यादा शौक भी और था कि मैं इस टेंट की वीडियो बनाऊँ, क्योंकि ये जो हमारी कम एज की बच्चियाँ होती हैं, ये उन लोगों के लिए, कॉलेज के लिए, यूनिवर्सिटी जो जाती हैं, ये उन लोगों के लिए बहुत ज़्यादा एक अच्छी चीज़ है। अब मैं ये आपको अपनी मॉडल के ऊपर लगा के दिखाऊंगी और बकायदा इसकी आइस पे भी मैंने सोचा है कि इसके नोज़ पे भी लगाऊंगी और इसके लिप पे भी मैं आपको लगा के क्या रिजल्ट है क्या नहीं। वैसे ये बहुत ज़्यादा लॉन्ग लास्टिंग है, ये बहुत ज़्यादा देर तक चलता है। और इसके ऊपर एक छोटा सा पॉइंट इन लोगों ने दिया हुआ था कि जिसको मैं ईजिली मैंने जिसको मोड़ा है और वो पूरा टेंट जो निकल के वो नीचे वाली कॉटन बेड के ऊपर आ गया है, मतलब ऐसे बन गया था कि जैसे एक पानी की तरह ये होता है बिल्कुल, ये इस तरीके का, ये बिल्कुल भी लिक्विड नहीं है। और ये जैसे मैं इसकी होंठों पे या इसके चिक्स पे मैं जैसे लगाऊंगी ये वैसे ही ड्राई हो जाएगा। इसको आपने लगा के बिल्कुल नहीं छोड़ना है, आपने इसको जिस तरीके से लगाना है आपने इसको उसी तरीके से फटाफट आपने इसको ब्लेंड कर देना है। अगर आप अपनी चिक्स पे लगा रहे हो, जब अपनी आईज पे लगा रहे हो, अपने नोज़ पे लगा रहे हो, क्योंकि होंठों पे तो हमें ब्लेंडिंग की इतनी ज़रूरत पड़ती नहीं। तो मैंने अपनी मॉडल के चिक्स पे लगाया तो मैंने थोड़ी देर के लिए उसको, मतलब दूसरे वाले को मैं ब्लेंड करने लग गई तो उससे मैं थोड़ी सी साइड पर होगी तो वो एकदम ड्राई हो गया। तो वो जिस तरीके से मुझसे लगा हुआ था वो वैसा ही पेज, जैसे वैसा ही वो नक्शा बन गया था वहाँ पे। फिर मैंने उसके ऊपर सोचा कि अब मैं इसके ऊपर थोड़ा सा और लगा के इसको ब्लेंड करती हूँ, फिर बड़े अच्छे तरीके से ब्लेंड हो जाए। फिर मैंने बिल्कुल वैसे ही किया, मैंने उसके ऊपर थोड़ा सा और लगाया, फिर मैंने इसको ब्लेंड किया। या आप लोग देख भी रहे होंगे कि मैंने इसके ऊपर दोबारा से और लगा के मैंने इसको ब्लेंड किया। इसको आपने लगा के बिल्कुल भी नहीं छोड़ना, क्योंकि अगर आप इसको लगा के छोड़ोगे तो ये बहुत ज़्यादा ड्राई हो जाता है और इसका रिजल्ट बिल्कुल भी अच्छा नहीं आता। वैसे इसकी खुशबू बहुत ज़्यादा अच्छी है, खुशबू में तो ये बहुत ही आला है और इसका रिज़ल्ट भी बहुत ज़्यादा अच्छा है, काफ़ी लॉन्ग लास्टिंग चलता है, काफ़ी देर तक चलता है। और दूसरी बात ये है कि आपके लिप्स के ऊपर ये लगा हुआ बिल्कुल भी ओवर नहीं लगता, आपको ऐसा फील ही नहीं होता है कि आपने अपने लिप्स के ऊपर कुछ मतलब लिपस्टिक लगाई हुई है या कुछ मतलब ऐसा लगाया, ऐसा वैसा आपको कुछ भी फील नहीं होगा। आपके लिप्स ऐसे होंगे कि जैसे आपने कोई चीज़ यूज़ की नहीं है। इसमें आप खाना भी खाओ, जो भी पियो, तो आपके लिप्स के ऊपर से ना ये उतरेगा ना ये कम होगा, ये जितना होगा ये उतना ही रहेगा। पर इसका रिजल्ट बहुत ज़्यादा अच्छा है, मेरे कहने पे एक दफ़ा आप इसको ज़रूर ट्राई करिएगा। और इसकी जो पैकिंग है वो भी बहुत ज़्यादा अच्छी है, ये आप देख सकते हैं कि ये कम्प्लीटली मैंने लगा के ख़त्म कर दिया। खुदा हाफिज़।